आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जर्मनी वाइड 9 यूरो टिकट को इस्तेमाल करने का। इस टिकट की बड़ी हाइप मची हुई थी और मैंने भी आई थिंक कोई 1.5-2 महीना पहले इस टिकट के ऊपर एक वीडियो बनाई थी। जर्मन गवर्नमेंट ने ये टिकट एक्चुअली इसलिए लॉन्च किया है क्योंकि जो यूक्रेन वॉर हुई थी उसके बाद फ्यूल कॉस्ट हाई हो गई जर्मनी के अंदर, तो वो चाहते ही हैं कि लोग कम से कम अपनी पर्सनल कार्स यूज़ करें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ज़्यादा ट्रैवल करें। और दूसरा ये कि अभी समर आया है तो कोरोना की रिस्ट्रिक्शन भी ख़त्म हुई हैं, तो वो चाहते हैं कि लोग जाएँ और इन्जॉय करें समर को। तो 1 जून से जर्मनी वाइड 9 यूरो का ये टिकट अवेलेबल था। एक्सपीरियंस मेरा जो ओवरऑल रहा, एक वर्ड में अगर मैं उसको डिस्क्राइब करूँ तो वो रहा केओटिक। और बिल्कुल भी मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैं अब आपको थोड़ी डिटेल में जाके बताता हूँ कि ट्रेन स्टेशन के ऊपर क्या सिचुएशन थी, ट्रेन के अंदर क्या सिचुएशन थी, प्लेटफॉर्म के ऊपर क्या सिचुएशन थी, और फिर कहाँ पे हम जा रहे थे, और फिर कैसे हमारा प्लान सारा चेंज हुआ, और कैसा वो मेरा दिन रहा। कल का ये एक्सपीरियंस है, 4 जून का सैटरडे को। हमारा प्लान ये था कि हमने सैटरडे को जाना है और हमने जाना था जर्मनी का एक पोर्ट टाउन है, उसका नाम है वार्नेमुंडे। ये बेसिकली बाल्टिक सी के ऊपर लोकेटेड है। तो उसको जाने का राउट ये था कि बर्लिन से आपने एक रीजनल ट्रेन लेनी थी। अच्छा, ये 9 यूरो टिकट जो है ना, ये इंटरसिटी आईसी और आईसीई के ऊपर वैलिड नहीं है, ये सिर्फ रीजनल ट्रेन के ऊपर वैलिड है। तो बर्लिन से एक ट्रेन लेनी थी रॉस्टॉक। रॉस्टॉक एक शहर है जर्मनी से, तकरीबन 2 घंटे 40 मिनट की ट्रेन राइड है। और रॉस्टॉक से फिर एक एस बान लेनी थी जो कि एक और सिटी लोकल ट्रेन है, और वो आपको आई थिंक 15-20 मिनट में वार्नेमुंडे ले जाती थी, और वहाँ पे वो एक बीच टाउन है जैसे मैंने आपको बताया। ट्रेन हर 2 या 3 घंटे बाद बर्लिन के मेन स्टेशन से वो जाती है, वो आपको मिल सकती है वहाँ से। तो हमने कहा कि यार हम सुबह वाली ट्रेन लेते हैं ताकि वहाँ पे जल्दी पहुँच जाएँ, और वो सुबह की ट्रेन जानी थी 8:42 पे। तो पहले तो जब मैं पहुँचा जो बर्लिन का सेंट्रल ट्रेन स्टेशन है, तो क्योंकि मैं काफ़ी दफ़ा उस स्टेशन पे जा चुका हूँ और मुझे आइडिया है कि अगर एक वीकेंड हो जैसे सैटरडे हो तो उस पर कितना आप रश वहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो मुझे बड़ा अनएक्सपेक्टेड लगा क्योंकि रश वहाँ पे 2 या 3 टाइम्स ज़्यादा था जो नॉर्मल एक सैटरडे को रश होता है। और शायद उसकी ये भी वजह थी क्योंकि जर्मनी के अंदर जो आने वाला मंडे है 6 जून को एक पब्लिक हॉलीडे है पेंटेकोस्ट की, तो लोग क्योंकि लॉन्ग वीकेंड है तो वो अपने अपने घरों को भी ट्रैवल कर रहे थे, और बहुत सारे लोग इस वीकेंड पे 9 यूरो की वजह से भी ट्रैवल कर रहे थे। तो चलो रीज़न समझ आती है कि यार बहुत ज़्यादा लोड हुआ है, ठीक है, रश है सब लोगों का। अभी तक ये नहीं सोचा था कि ये इतने सारे लोग तो आ गए लेकिन ट्रेन के अंदर का क्या सीन होगा, क्योंकि सीट्स वगैरह तो उतनी ही हैं और लोग बैठे हैं कैसे, और ट्रेन जो हैं वो क्या रेगुलर इंटरवल्स पे या फिर ज़्यादा ट्रेन आएंगी, ये क्या सीन होगा, वो अभी तक जहन में आया नहीं था। जहन में ये था कि यार ठीक है ट्रेन जा रहे हैं, इतने बजे ट्रेन आनी है, आराम से बैठ जाएंगे, कुछ बिल्कुल ये सोचा ही नहीं था। तो उसके बाद हम प्लेटफॉर्म पे गए, वहाँ पे देखा कि वहाँ पे ज़बरदस्त किस्म का रश, इतने ज़्यादा लोग, और सबसे पहले ये कि जाते ही आई थिंक 8:40 पे ट्रेन थी, पहले अनाउंसमेंट आ गई कि 15 मिनट ट्रेन लेट हो गई है, फिर अनाउंसमेंट आ गई कि 20 मिनट हो गई, फिर हो गई 25 मिनट हो गई, तो आई थिंक करते करते शायद 30-35 मिनट्स ट्रेन जो है वो लेट हो गई। खैर अनाउंस हुआ कि ट्रेन फाइनली आ गई। अब ट्रेन आई तो इतने सारे लोग थे, और वहाँ पे लोग जो थे वो ऑफ कोर्स अपने बच्चों के साथ भी आए हुए थे, छोटे छोटे बच्चों के साथ आए हुए थे, और फिर जर्मनी में आपको पता है कि लोगों के पास कुत्ते कितने ज़्यादा हैं, तो कुछ लोग ट्रैवल कर रहे थे वो अपने कुत्तों के साथ ट्रैवल कर रहे थे, कुछ ने कुत्ते अपने बास्केट के अंदर रखे हुए थे साइकिल के आगे। हाँ साइकिल वाले लोग भी थे क्योंकि वो वहाँ पे जाके साइकिलिंग भी करते हैं, रीजनल ट्रेन में आप साइकिल्स भी लेके जा सकते हैं। कुछ के पास वैसे डॉग्स थे जो उन्होंने लीश पे पकड़े हुए थे। अब लोग सारे भागे जी ट्रेन के अंदर चढ़ने के लिए कि यार हमें जगह मिल जाए, हमें सीट मिल जाए, क्योंकि सबको समझ आ गई थी जिस तरह से प्लेटफॉर्म भरा हुआ था कि ये तो इम्पॉसिबल है कि सारे लोगों को सीट मिल सके। जब ट्रेन के अंदर चढ़ने की बारी आई तो आधे से ज़्यादा लोग तो बेचारे चढ़ भी नहीं सके ट्रेन में। हम उन सक्सेसफुल लोगों में से थे जो ट्रेन के अंदर चढ़ने में कामयाब हो गए, और अंदर ऑफ कोर्स क्योंकि वो डबल डेकर रीजनल ट्रेन थी तो नीचे और ऊपर जितनी भी सीट्स थी वो सारी ऑक्यूपाई हो गई विद इन अ मिनट, और खड़े होने तक की अंदर जगह नहीं रही, यानी खड़े होना भी इतना मुश्किल था। लोग ट्रेन के अंदर जो सीढ़ियाँ उसके ऊपर बैठे हुए थे, ज़मीन के ऊपर बैठे हुए थे, खड़े हुए थे, और आप लिटरली जो है वो एक दूसरे के साथ ऐसे प्रेस हुए हुए थे। बहुत सारे लोगों को फिर पुलिस थी वहाँ पे, सिक्योरिटी थी, उन्होंने उनको ब्लॉक किया जो लोग नहीं अंदर घुस पा रहे थे, और इवेंचुअली ट्रेन के दरवाजे बंद हुए और ट्रेन जो है वो चलना शुरू। अब सारे लोग जो खड़े हुए थे वो ये सोचते थे कि यार क्या करें, क्योंकि 2 घंटे 40 मिनट की ये ट्रेन रीजनल ट्रेन, किसी ने भी ये सोचा नहीं होता कि ये हो जाएगा,
यानी कि इतनी बड़ी मिसमैनेजमेंट हो जाएगी जर्मनी की तरफ से कि अब उन्होंने ये फ्री तो अनाउंस कर दिया, ठीक है इनिशिएटिव तो बहुत अच्छा ले लिया, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि यार कोई हर एक घंटे बाद ट्रेन लॉन्च कर दें, या तीन एक्स्ट्रा ट्रेन चला दें, चार चला दें, पांच चला दें, अगर ये डिले हो गई है तो उन लोगों को कहो कि यार एक एक्स्ट्रा 30 मिनट्स बाद आ जाएगी तो आप लोग उतर जाओ, कोई ऐसा चक्कर नहीं था। अब होता यूं है कि जब आप बर्लिन से निकलते हैं रॉस्टॉक जाने के लिए या कहीं भी जाने के लिए, तो बर्लिन के अंदर भी दो तीन स्टॉप्स आते हैं जहाँ पे रीजनल ट्रेन रुकती है आपकी। पहले एक रीजनल स्टॉप आया, उस पर कुछ लोग उतर गए, उन्होंने कहा कि यार ये तो इम्पॉसिबल है, जिनके बच्चे वगैरह थे इस तरह हम तो नहीं जा सकते, क्योंकि ढाई घंटे ऐसे खड़े होके प्रेस होके कौन जाए, इट्स नो फन ऑनेस्टली। फिर एक और स्टॉप आया और लोग उतर गए, और जब तीसरा स्टॉप आया उसके बाद बर्लिन से ट्रेन ने निकल जाना था, तो हमने डिसाइड किया कि यार आई थिंक इट्स रियली नो फन, क्योंकि 2 घंटा 40 मिनट आप ऐसे खड़े होकर जा रहे हैं, दैट्स नॉट एन एक्सपीरियंस, इस एक्सपीरियंस के कोई फ़ायदा नहीं है और ये लेने का कोई मज़ा भी नहीं है। तो हम इसका कोई प्लान बी बनाते हैं, लेकिन पहले हम इस क्योटिक ट्रेन से बाहर निकलें। तो हम भी ट्रेन से बाहर निकल गए बहुत सारे और लोगों की तरह, और फिर भी ट्रेन बहुत भरी हुई थी, इवन इतने सारे लोग उतर उतर के निकल भी रहे थे और अपना प्लान ड्रॉप कर रहे थे। अब हमने कहा कि यार क्योंकि हमने ये प्लान किया हुआ था इसको वीकेंड पे, तो ऐसा करते हैं, क्योंकि रीजनल ट्रेन तो पूरे जर्मनी वाइड थी, ये टिकट तो एप्लीकेबल था, तो हम कोई और राउट लेते हैं इंस्टेड ऑफ कि हम उस बीच टाउन पर जाएं। तो हमने ये डिसाइड किया कि हम पोलैंड जाते हैं, जर्मनी बर्लिन से पोलैंड ज़्यादा दूर नहीं है, तो उसका ये राउट था कि आप बर्लिन से एक ट्रेन लो फ्रैंकफर्ट के लिए, फ्रैंकफर्ट ओडर, यहाँ पे आप इसको फ्रैंकफर्ट अ माइन मत समझिएगा, जर्मनी में दो फ्रैंकफर्ट्स हैं, तो बर्लिन के पास ओडर जो है, फ्रैंकफर्ट ओडर जिसका नाम है, हमने वहाँ की एक रीजनल ट्रेन ली, और वो तकरीबन कोई आई थिंक एक से डेढ़ एक घंटे की रीजनल ट्रेन है। उसके बाद आप फ्रैंकफर्ट ओडर पहुँचते हैं, तो वो पोलैंड के साथ बॉर्डरिंग टाउन है, वहाँ पे आप एक सिर्फ ब्रिज है, वो ब्रिज क्रॉस करते हैं तो आप पोलैंड में एंटर हो जाते हैं। तो हमने कहा कि हम पोलैंड चले जाते हैं, फिर हमने वो राउट लिया, हम वहाँ से फ्रैंकफर्ट ओडर गए, उधर से फिर हम पोलैंड गए, और हमने वहाँ पे स्पेंड किया टाइम, और फिर हम वापस आए बर्लिन। तो वो रिलेटिवली जो है वो बेहतर रहा। जैसा कि मैंने कहा कि ये टिकट इटसेल्फ आइडिया तो बहुत अच्छा है कि लोगों को इनकरेजमेंट मिल रही है, लोगों के लिए चीप है, लोग जा रहे हैं, मुख्तलिफ टाउन्स एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन मैंने पर्सनली इस लेवल की मिसमैनेजमेंट जर्मनी के अंदर आज से पहले नहीं देखी। रीजनल ट्रेन्स को मैंने ऐसा नहीं देखा था, हालांकि रीजनल ट्रेन काफ़ी पीसफुल होती थी, आपको हमेशा, आप ऊपर वाले डेक पे जाएं आपको हमेशा सीट मिल जाती है, और एक बड़ा पीसफुल सी मेरी उसके साथ एसोसिएशन थी। लेकिन कल जो था, और हाँ ये भी मैं आपको बताऊं कि ये जो रीजनल ट्रेन्स है ना, ये ऐसा नहीं है कि कभी इस तरह की क्योटिक सिचुएशन हुई नहीं पास में या फुल नहीं होती। जैसे आप जर्मनी में कोई कार्निवल हो रहा है, ठीक है, या कोई बहुत फेमस कोई समर इवेंट हो रहा है जो हर साल होता है, या कोई बहुत बड़ा फुटबॉल मैच हो रहा है, तो तब ये एक्सपेक्टेड होते हैं और लोगों को पता होता है कि ट्रेन्स ऐसे ही फुल होकर जाएंगी, क्योंकि एक बहुत बड़ी तादाद में लोग उन ट्रेन्स को बुक करके उन स्पेसिफिक दिनों में जाते हैं। मगर वो एक्सपेक्टेड होता है कि आपको पता होता है कि यार वो साल में इस दिन होगा या इस वीकेंड पे होगा या इस पे होगा, इसका लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं था। तो मेरे लिए बहुत अजीब बात थी कि जर्मनी में उन्होंने कोई ये टिकट तो लॉन्च कर दिया, लेकिन उनको कोई इसका, वो ड्राइवर्स भी इवन कह रहे थे कि यार ये क्या कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन क्रिएट हुई हुई है, क्रेजी सिचुएशन जो है वो मची हुई। और उसी दौरान आज मैंने देखा कि वो एक न्यूज़ भी आ गई है कि बवेरिया के अंदर एक रीजनल ट्रेन जो है वो कर्व लेते हुए वो उलट गई और उसमें 4 लोग जो हैं वो मर गए हैं। तो अब ये उन्होंने अभी तक कहा नहीं है कि वो इस वजह से, क्योंकि वो ओवरलोड हुई हुई थी ट्रेन, हालांकि वो भी 1 जून के बाद ही इंसिडेंट हुआ है, यानी कि जब से ये फ्री टिकट हुआ है, और वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं अभी, उन्होंने फाइनल उसकी रीज़न नहीं बताई, लेकिन उसकी भी स्पेकुलेशंस अब लोग यही कर रहे हैं कि इतनी अगर लोडेड ट्रेन हो जाए तो आगे कर्व्स आते हैं कई सारे, और उस कर्व में ट्रेन बैलेंस भी जो है वो अपना लूज कर सकती है। तो इसलिए मैं पता क्या करूँगा, मेरा जो इसमें ऑनेस्ट फीडबैक है वो यही रहा है कि आप लोग अगर जो जर्मनी में हैं और वो अवेल करना चाह रहे हैं इसको, तो आप लोग अवॉइड ही करें कि किसी वीकेंड पे आप लोग जाएं। मेरी अगली कोशिश यही होगी कि मैं कोई वीकडे में अपने ऑफिस से कोई डे ऑफ लूँ और वीकडे में एक दिन ये एक्सपीरियंस लूँ रीजनल ट्रेन का, स्पेशली किसी और जर्मन टाउन में जाऊँ, मैग्डेबर्ग में या कोई ईस्ट में, लाइपसिक वगैरह में, कहीं पर भी जो जर्मनी से इतना फार ऑफ ना हो, बर्लिन से इतना फार ऑफ ना हो, और उसका एक्सपीरियंस नोट करूँ कि क्या वो भी ऐसा ही था कि जो वीकेंड पे केओस हुआ था वो वीकडेज में भी होगा, क्योंकि उसमें ये एक्सपेक्टेड होगा कि उसमें इतने ज़्यादा लोग नहीं होंगे ड्यूरिंग द वीक। तो ये मैं ट्राई करूँगा शायद,
लेकिन आई थिंक वीकेंड्स के ऊपर जो मेरी सजेशन होगी, जो इसको यूज़ करना चाह रहे हैं आप लोग, अगर हॉटस्पॉट डेस्टिनेशंस पे जाना चाहेंगे जैसे ये वानामुंडे है, बीच टाउन जो हैं, उसमें आई थिंक ट्रेन्स इसी तरह ही जाएंगी। और आपने अगर जाना भी है इस टिकट को यूज़ करना, तो जो बर्लिन या जो भी आप जिस भी एरिया में जर्मनी में रह रहे हैं उसके एक डेढ़ घंटे की विसिनिटी के अंदर ही अगर आप इसको यूज़ करें तो शायद इट विल बी लेस क्योरिक। या अब पता नहीं, हो सकता है इतना ये क्योस अभी हुआ है तो जर्मन गवर्नमेंट जो है वो अगले 3-4 दिनों में शायद ये अनाउंस कर दे कि यार हम एक्स्ट्रा ट्रेन चला देंगे। या देखें, मुझे ये नहीं समझ आती कि इन्होंने ये क्यों नहीं किया कि जब इन्होंने ये फ्री 9 यूरो, एक तरह का फ्री टिकट, ये 9 यूरो टिकट ये अनाउंस किया, तो उन्होंने ये क्यों नहीं कह दिया कि आप लोग वेबसाइट्स पे जाएं, अपनी अपनी डेस्टिनेशन की राइड्स बुक कर लें और उसमें वो रख दें कि यार 200 सीट्स की कैपेसिटी है, 500 सीट्स की कैपेसिटी है, 1000 सीट्स की, जो पहले 1000 बुक कर लेंगे या जो पहले 500 बुक कर लेंगे। और अगर आप एक दिन में लोग सारे लोग बुक कर लेते हैं तो फिर वो स्लॉट आप बंद कर दें, फिर फ्राइडे की स्लॉट बुक हो गई है तो सैटरडे की ओपन कर दें, सैटरडे की होगी तो संडे की कर दें आगे, ताकि जो लोग अपनी रिजर्वेशन या बुकिंग करवा रहे हैं वो एटलीस्ट उस ट्रेन में बैठ के तो जा सकें, क्योंकि अदरवाइज इट डजंट मेक एनी सेंस। तो मेरी तो यही अभी तक की यही रिकमेंडेशन है। उसके अलावा ये कि मैं इंस्टाग्राम पे आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ, जो लोग इंस्टाग्राम पे नहीं आए वो ज़रूर आए, मुझे वहाँ पे फॉलो करें, मैं डेली लाइफ की काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें इंस्टाग्राम पे शेयर करता रहता हूँ, तो उधर आपको काफ़ी कुछ जो है वो देखने को मिलेगा, स्पेशली इस क्योस के ऊपर भी। तो ये मेरा एक पर्सनल ऑनेस्ट एक्सपीरियंस रहा है। जो नेक्स्ट टाइम मैं जाऊँगा इसी 9 यूरो की राइड पर, तो आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूंगा। जो मैं पोलैंड गया था उसकी भी मैंने स्टोरीज शेयर की हैं, वो भी आप आए इंस्टाग्राम पे वो देखें। और उसके अलावा अगर आप लोगों ने, जर्मनी में आप लोग हैं और आप लोगों ने ये टिकट अवेल की है इसी वीकेंड के ऊपर या आगे करेंगे, तो आप लोग भी अपने एक्सपीरियंसेस यहाँ पे कॉमेंट सेक्शन में सबके साथ शेयर कर सकते हैं। एक नई वीडियो में आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।